तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप यू चल रही है। मैं भी अच्छी हूँ। रेस्ट दे सकते हैं शाम के 7 बजे। और अभी भी पानी गिर ही रहा है। आज सुबह से ही पानी गिर रहा है, रुका नहीं है। देख सकते हैं, देखिए लाइट में सुन रहा होगा, पानी गिर रहा है। अच्छा पानी गिरा, पूरा भरा हुआ है। तो आप लोग ने देखा, बारिश हो रही है। रात के हो रहे हैं 10, लेकिन आज सुबह से बारिश हो रही है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है गाइस। ठंड ठंड के साथ बारिश, ठंडी का दुगनी होने वाली है। देखते हैं कल सुबह पानी निकलता है या नहीं निकलता है, वो तो सुबह ही पता चलेगा। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने सुबह नाश्ता बना दिया है। मैंने बनाया था नाश्ते में पोहा, और मैंने अपने बेटे को दे दिया है खाने को, तो वो खा रहा है, खा कर जाएगा कॉलेज। और मेरी चाय पक रही है, तो चाय पक जाएगी, उसके बाद मैं चाय पीऊँगी और फिर धोऊंगी थोड़े से हैं बर्तन, उसके बाद नहा धो के फिर आपसे मिलती हूँ। तब तक आप ब्लॉग में कंटिन्यू बनी रहिएगा। देखिए गाइस, कल बारिश हो रही थी, मौसम गड़बड़ था, अभी भी बादल है तो बारिश नहीं हो रही है। मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। तो आपने देखा ये कल के कपड़े हैं, अभी भी नहीं सूखे हैं, चुपके डले हुए हैं। तो देख सकते हैं गाइस, पानी नहीं गिर रहा है और सुबह हो चुकी है, पानी नहीं गिर रहा है, मौसम खुला है। देखते हैं क्या होता है, धूप निकलती है या नहीं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और मैंने कपड़े धो के डाल दिया है। देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा धूप कर रहा है। कभी धूप आ रही है, कभी छांव है। तो गाइस, मैंने सारे काम कर लिए हैं, काम करके फ्री हो चुकी थी। तो गाइस, मैंने पिछले इससे पहले वाले ब्लॉग में आप लोगों से पुनर्विवाह के बारे में चर्चा की थी, और उसमें मैंने ये कहा था कि एक लड़का है जो दो कपल्स है, राम और मनु, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और वो शादी करना चाहते हैं। तो जो मनु की फैमिली है, मतलब उस लड़की की फैमिली है, वो तो सब लोग रेडी है, लेकिन जो राम है उसके फादर मदर सब लोग रेडी है, बट उसके जो फादर की फैमिली है, मतलब उसके जो चाचा लोग हैं, वो रेडी नहीं है। वो ये बात एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि विधवा पुनर्विवाह किया जाए। पुनर्विवाह मतलब लड़के का पुनर्विवाह कर सकते हैं, लेकिन लड़की यदि विधवा है तो उसकी शादी करके हम अपने घर की बहू नहीं बना सकते हैं। ऐसा उनके मतलब राम के पापा की फैमिली बोल रही है। तो गाइस, इसी बारे में हमने चर्चा की थी पिछले ब्लॉग में। तो देखा, बहुत से मेरे फ्रेंड्स लोगों ने देखा, बट किसी ने रिप्लाई नहीं किया, किसी ने कमेंट नहीं किया, बस एक दो बहनों ने कमेंट किया। कैसे मैं किससे चर्चा करूँ, मैं तो आप ही लोग से चर्चा करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप कमेंट करके बताइए कि क्या करना चाहिए, क्योंकि जो राम के फादर है ना, जो राम के फादर है, वो ना तो अपने भाइयों को छोड़ना चाहते हैं, ना ही वो लड़की को छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको लड़की का जो नेचर है वो बहुत अच्छा लगा। तो उनको ऐसा लगता है कि लड़की हमें समझेगी और एडजस्ट हो जाएगी हमारे साथ, क्योंकि जो राम की पहली पत्नी थी वो फैमिली के साथ नहीं रहना चाहती थी, वो अकेले ही अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती थी, जिसका रीज़न था उनके तलाक का, तो वो चली गई। और जो मनु है, उसके हस्बैंड के साथ भी उसका
डाइवोर्स हो चुका है, जिंदगी फिर से नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं, जिसकी जिसमें राम की फैमिली तो फुल सपोर्ट कर रही है, लेकिन राम के पापा की जो फैमिली है वो सपोर्ट नहीं कर रही है, वो लोग एग्री नहीं हो रहे, मतलब राम के चाचा चाची ये लोग एग्री नहीं हो रहे हैं। तो जो राम के फादर है वो अपने भाइयों को भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो बीच का रास्ता नहीं निकल पा रहा है। उन्होंने फिर से घर वालों से बात की थी, लेकिन बहुत बहस हुई, बहस के बावजूद कोई नतीजा नहीं निकला। वही फाइनली बात आके अटक गई, तुमको करना है तो कर लो, लेकिन गांव में घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और वो इस तरह की शादी करना नहीं चाह रहे हैं, तो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन हाँ, तो गाइस मैंने जो पिछला ब्लॉग बनाया था उसको मेरे काफ़ी फ्रेंड्स लोगों ने देखा, लेकिन कमेंट किसी ने नहीं किया, बस एक दो बहनों ने कमेंट किया, तो उन्होंने जो सजेशन दिया मुझे सही लगा। तो प्लीज़ गाइस आप लोग देखते रहिए उनको क्या करना चाहिए, क्या उन्होंने कर लेना चाहिए, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि आज ठीक है, आज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं लोग, पर हो सकता है अगर वो शादी कर लेते हैं उसके बाद उस लड़की का स्वभाव नेचर से हो सकता है वो फैमिली वालों का दिल जीत ले, और फिर जो फैमिली उसे अभी अपना नहीं रही है कल को अपना ले, हो सकता है ना गाइस। तो देखते क्या होता है, उनका फाइनल डिसीजन क्या होता है, बस यही फैब के लास्ट तक को डिसीजन ले लेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं आपकी इसकी अपडेट देते रहूँगी, तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा, और हाँ अगर ब्लॉग मेरा अच्छा लगे तो उसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, गाइस कमेंट करना ना भूला करिए, प्लीज़ गाइस आपका कमेंट मुझे मतलब एनर्जी देता है, सोचने की समझने की शक्ति देता है आप लोगों का कमेंट, प्लीज़ गाइस कमेंट जरूर से करिए। और हाँ अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा, प्लीज़ गाइस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर मेरे ब्लॉग में नए हैं अभी देख रहे हैं मेरे चैनल में तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो मैं नया अपडेट डालूँ इसका आगे क्या हुआ क्या डिसीजन लिया गया अगर आप जानना चाहते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक जाए। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, तो बाय।